भोपाल से एक बड़ी जानकारी, 19 दिसंबर को पद संभालेंगे जीतू पटवारी। एमपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी आपको 19 दिसंबर से ऑफिशियली नजर आने वाले हैं। पदभार संभालने से पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने आज पहुंचे हैं जीतू पटवारी। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जीतू पटवारी पहुंचे दिल्ली। उमंग सिंघार और हेमंत कटारिया उनके साथ हैं। बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बदल दिया। इस बात की उम्मीद पहले भी की जा रही थी तमाम कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कि नेतृत्व को बदलकर देखना चाहिए, हो सकता है इस बदलाव की जरूरत संगठन में हो। ऐसा हुआ भी, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन ऑफिशियली अध्यक्ष के तौर पर 19 दिसंबर से आपको काम करते हुए नजर आएंगे। पदभार संभालने वाला दिन 19 दिसंबर को। तो आपको बताएं कि सोनिया गांधी से मुलाकात की है जीतू पटवारी ने। 19 दिसंबर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी काम करना शुरू करेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को लेकर भी जानकारी। उमंग सिंघार और हेमंत कटारे वो भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। आलाकमान से मुलाकात के लिए पहुंचे, हो सकता है कि आगे की रणनीति को लेकर भी बातचीत हुई हो। महज एक तारीख तो चलिए फाइनल हो चुकी है कि जीतू पटवारी काम करना आगाज करेंगे और कांग्रेस में उसके बाद आप परिवर्तन की स्थिति भी देख सकते हैं। क्योंकि जब युवा चेहरों को कमान दी जाती है तब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कहीं ना कहीं संगठन में बदलाव का प्रयास हो। जीतू पटवारी बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। जीतू पटवारी की अगर बात करें तो बहुत तेज तर्रार नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं और बहुत लंबे अरसे से डिमांड उठ रही थी कि कमलनाथ को पद से हटाया जाना चाहिए। इस्तीफे की भी बात सामने आई, लेकिन खबर झूठी निकली। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। बाद में जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर सूचना, राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं जीतू पटवारी, इस लिहाज से भी समीकरण आप समझिए। और उससे पहले चूंकि राव विधानसभा से करारी हार हुई है जीतू पटवारी की, लेकिन अब संगठन के स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत प्रमुखता से बात रखने वाला अगर कोई नेता है तो जीतू पटवारी है। आपको बताएं कि बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे सबसे पहले और उसके बाद पदभार संभालेंगे। 19 दिसंबर को आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी को पहचानेंगे। तो अब ये नए अध्यक्ष के तौर पर क्या क्रम रहता है, कार्यशैली क्या कहती है, ये देखने वाली बात। आलाकमान से मुलाकात, उसके बाद चेहरे खिले तमाम नेताओं के, हो सकता है कि रणनीति को लेकर बातचीत हुई हो। क्योंकि अभी 5 साल का पूरा टेन्योर है इस सरकार का, उस दौरान विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी, कितनी प्रमुखता से हर मुद्दे को जनता के समक्ष रखना है। लगता है कि जीतू पटवारी बहुत अच्छे से समझते हैं और इसलिए शायद संगठन की तरफ से ये निर्णय। अभी देखने वाली बात कि क्या आलाकमान की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। और अब रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। बाइक सवार दोनों लोगों की जान जा चुकी है। लहलुंगा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव की पूरी घटना, ये बड़ा सड़क हादसा जिसमें घटना स्थल पर ही दोनों लोग दम तोड़ देते हैं। पेड़ से टकराई है और कितनी तेज रफ्तार में गाड़ी रही होगी इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि घटनास्थल पर मौत होना बहुत बड़ा क्रम की तस्वीरें आप देखिए घटनास्थल की। इन्हें अस्पताल तक पहुंचाने तक का भी समय नहीं मिल पाया, इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी सामने से आई और पेड़ से टकरा गई, दोनों की ही मौत हो गई। हालांकि इस बात की समीक्षा की जाएगी, जायजा लिया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, क्या महज तेज रफ्तार ही वजह या कुछ और वजह भी रही। मामला पुलिस के संज्ञान में भी आया। घटनास्थल की तस्वीरें, दो लोगों की दुखद मृत्यु इस पूरे दुर्घटना, भीषण तस्वीरें घटनास्थल की भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को बचाने का समय भी नहीं मिला, भीषण दुर्घटना। लहलुंगा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का ये घटनाक्रम, आसपास लोग सहयोग के लिए आए लेकिन जब देखा गया कि बिल्कुल ही बेसुध हैं दोनों, ये समझा गया कि घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। मुख्य सचिव डीजीपी समेत तमाम बड़े ऐसे अधिकारी मौजूद रहे इस बैठक में, जिन्होंने नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बातचीत की है। उनकी समीक्षा करने का जिम्मा चूंकि मुख्यमंत्री के
कंधों पर, तो अधिकारियों को सीधे निर्देशित भी कर दिया उन्होंने कि केंद्र के सहयोग से अब नक्सलवाद खत्म करने का प्रयास करेंगे। अभियान में तेजी लाने के भी सीधे निर्देश। शहीदों के परिवारों को भी सहायता देनी है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। डीजीपी खुद इसकी मॉनिटरिंग करें। सीएम विष्णुदेव साय पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ बहुत ही सख्त रवैया अख्तियार किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार से लोगों को भी उम्मीद है कि केंद्र की सहायता से हो सकता है कि कुछ हद तक नक्सलवाद से पार पाया जाए। सीएम विष्णुदेव साय का हम जिक्र करें, अभियान में लगातार तेजी लाने का प्रयास, एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर उनकी तरफ से बातचीत, और उससे पहले आप देखेंगे कि सिलसिलेवार हर दिन नक्सलियों की बौखलाहट किसी न किसी वारदात के रूप में सामने आ रही है, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास लगातार उनकी तरफ से हो रहा है। अभियान में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। कैबिनेट विस्तार का भी इंतजार के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आए, लेकिन उससे पहले ही वर्क मोड ऑन सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से। और नक्सलाइट चूंकि एक बहुत बड़ी समस्या छत्तीसगढ़, और सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। इससे पहले रायपुर में मीडिया से बातचीत उन्होंने की, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से सौजन्य मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे, नक्सली घटनाओं पर भी बात रखी, क्या कुछ कहा सीधे सुनाएंगे। ये हैं, अभी लगातार नक्सल वारदात हुए हैं और अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। आज हमने आकस्मिक बैठक लिया है सीएस और डीजी का और अधिकारियों का और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी हुआ है। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, लाइव तस्वीरें काफिले की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां दो दिन के वाराणसी दौरे पर, तमाम ऐसे कार्यक्रम जो कि उनकी मौजूदगी में संपन्न होने, ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर प्रधानमंत्री लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, आप देखिए सड़क के किनारे लोगों की मौजूदगी, पुष्प वर्षा की जा रही है। 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, और ये देखिए हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का एक काफिला गुजरता हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसमें शामिल होना है प्रधानमंत्री को, और इसके साथ ही सर्ववेद मंदिर काशी तमिल संगमम जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, काशी विश्वनाथ धाम में भी दर्शन पूजन का सिलसिला चलेगा। उसी प्रकार की तस्वीरें लगातार आपके सामने, दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखानी, यानी कि तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात लेकर आज वाराणसी की धरती पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। और ऐसा क्षेत्र भी जो सबसे ज्यादा अपनत्व रखता है प्रधानमंत्री से, अक्सर चुनाव के दौरान इस क्षेत्र का जिक्र होता है, वहीं से जाएंगी कतार में खड़े हुए काशीवासी हैं जो अपनी अपनी तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। और अब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं, कितना भाव, अब तो आपने अपने सांसद को देख लिया, लंबे घर से आप लोग वक्त से इंतजार कर रही थी, कैसा रहा? बहुत अच्छा, देखते ही जैसे लग रहा है मन एकदम आनंदित, वनवास पूरा हो गया, जैसे लग रहा है 14 बरस का वनवास पूरा हो गया। भावुक हो गई, आपके आंख में आंसू है, देखिए इनके आंख में। अरे जिसने हम लोग को इतनी बड़ी शक्ति दिया है, जिन्होंने आज हम लोग को ये भव्य दृश्य दिया है जो कभी सपनों में नहीं था, वक्त कम मिला, सेकंड भर भी हम उनको नहीं देख पाए, मेरी आंखें भी नम हो गई, लेकिन नजरें पड़ी आंखें नम हो गई। सर माँ बाप इतना सामने पर तो नम नहीं होती, बस वही जो ये कह रही है बिल्कुल, मतलब अब ये नहीं हो रहा है कि अगर थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा समय दे देते तो शायद हम लोग का ये आनंद। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें वाराणसी की और वहां की जनता, जहां से लोकसभा के तौर पर प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री आते हैं, वहां की जनता एक एक क्षण के लिए, एक एक पल के लिए आतुर के प्रधानमंत्री की झलक मिल सके। काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के हर एक का अभिवादन स्वीकार कर सके। ये तस्वीरें काफिले की आपकी चीज स्क्रीन पर,
और इधर पाकिस्तान से लौटी अंजू के सस्पेंस के बारे में अंजू ने सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने जो बात कही वो चौंका देने वाली है, क्योंकि वो जिस मकसद के साथ पाकिस्तान से आने का दावा कर रही थी वो अभी तक होता हुआ नजर नहीं आता है। रिपोर्ट देखिए। अंजू पहले पाकिस्तान गई, उसके बाद वो अपने प्रेमी से मिली, खैबर पख्तूनख्वा में प्रेमी नसरुल्ला के साथ निकाह किया। शादी के बाद पाकिस्तान में उसे फातिमा के नाम से जाना जाने लगा। एक महीने के वीजा पर अंजू पड़ोसी मुल्क गई थी। उसके बाद कई दिनों से भारत आने पर बयान देती रही, लेकिन इस तरह करते करते पाकिस्तान में ही 4 महीने गुजर गए। अंजू के बयानों में स्पष्टता से ज्यादा झूठ की बुनियाद ही दिखाई दे रही थी, लेकिन 4 महीने बाद उसने हिंदुस्तान की सरजमी पर फिर से पांव रखे। इस बार भी अंजू ने यही कहा कि वो अपने बच्चों से मिलने आई है और उन्हें मनाकर अपने साथ ले जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया है जो लंबी चल सकती है। अंजू पर पहले से ही राजस्थान के भिवाड़ी में केस दर्ज है। जैसे ही अंजू भारत आई तो सबके मन में यही सवाल था कि वो अपने पति अरविंद से तलाक लेने आई है, लेकिन अभी तक अंजू ने ऐसा भी कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये बात पुख्ता हो सके। अंजू के सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देने से ये बात सामने आई है कि उसने अभी तक अरविंद से तलाक लेने पर भी फैसला नहीं लिया है, ना ही उसने तलाक का कोई केस ही फाइल किया है। अंजू बार बार कहती रही है कि पाकिस्तानी पति नसरुल्ला के साथ रहना चाहती है। अंजू ने अक्सर जो बातें कही है वो झूठी ही साबित हुई है। ऐसे में अंजू लगातार सस्पेंस बढ़ा रही है। एक तरफ वह अरविंद से बच्चों की कस्टडी लेने के लिए भारत आने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ अरविंद से भी अलग नहीं होती दिख रही। सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत आने के बाद अंजू का इरादा कहीं बदल तो नहीं गया। अंजू ने इससे पहले ये भी कहा था कि वो ना भारत में रहना चाहती है और ना ही पाकिस्तान जाना चाहती है, वो दुबई में रहने के सपने देख रही है, लेकिन इसके लिए उसे तमाम कानूनी बाधाओं को पूरा करना होगा। अंजू ने यह भी बताया कि उसके दोनों बच्चों और अरविंद से फोन के जरिए बात हो रही है। अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अंजू नसरुल्ला के साथ नहीं जाएगी, क्या वो अब ऐसा फैसला लेने वाली है जो अलग ही हो। अंजू 4 महीने से ज्यादा पाकिस्तान में रहने के बाद भारत लौटी तो उसके घर वालों ने उससे कन्नी काट ली। किसी ने भी उससे मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। अंजू के माता पिता और रिश्तेदारों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। उसके ग्वालियर वाले घर में भी गांव वालों ने पहरा लगा दिया, अगर अंजू आए तो उसको गाँव में आने से रोक लिया जाए। जब अंजू पाकिस्तान में थी तो उसकी अरविंद के साथ जोरदार बहस भी देखी गई थी, लेकिन भारत आने के बाद अंजू का मिजाज बदला हुआ है। दोनों के बीच में विश्वास की खाई काफी लंबी हो चुकी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बात हो रही है, जिससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अंजू अब भारत में ही रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों उसके पहले पति अरविंद के तेवरों में भी नरमी दिखाई दी। कहा जा रहा है कि अंजू ने अपनी बेटी के साथ भी मुलाकात की है। साथ ही अरविंद ने यह भी कहा था कि आगे दोनों के रिश्ते में क्या होगा ये बच्चों पर ही निर्भर करता है, बच्चे जो चाहेंगे वही होगा। अंजू ने अभी तलाक को लेकर कोई जल्दबाजी भी नहीं दिखाई है। अंजू के प्रेग्नेंट होने की खबरें भी सोशल मीडिया पर तैर रही थी। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में नसरुल्ला से निकाह के बाद वो माँ बनने वाली है। अंजू ने फिलहाल इन खबरों पर भी विराम लगा दिया है, उसने इस खबर को पूरी तरह से अफवाह बताया है। अंजू अभी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है, वो इतने महीने पाकिस्तान में रहकर आई है। इस दौरान अंजू ने पाकिस्तान में क्या क्या किया, उसके साथ वहां क्या हुआ, इन सभी सवालों के जवाब उसे देने हैं। अंजू के खिलाफ राजस्थान में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, वो भिवाड़ी जाकर पुलिस के सामने पेश भी हुई है, लेकिन अभी तक उसके मामले में स्पष्टता की कमी देखी जा रही है। सस्पेंस बरकरार है कि आखिर आगे अब क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।